हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज के डे में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगी में ऐसी बातें बहुत सुनते हैं या बोलते हैं, जैसे कि मुझे ताना मत मारो, तुम हमेशा मुझे ताने मारते रहते हो। यार, इसमें ताना मारने वाली कौन सी बात है, मुझे ताना मत मारो, ठीक है ना। ऐसे बातें या तो हम बोलते हैं या कई बार हमें सुनने को मिलती है। तो एक शब्द मैंने बार बार बोला, ताने मारना। अब इस वर्ड को या इस वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट मीन्स होता है टॉन्ट, टी ए यू एन टी, टॉन्ट। इसका मतलब होता है ताने मारना, ये एक वर्ब है। अब मैं आपको सेंटेंस की हेल्प से इस टॉन्ट वर्ब को कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे ताने मत मारो, डोंट टॉन्ट मी। सेकंड सेंटेंस है, वह हमेशा ताने मारता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स टॉन्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहां तुम्हारे ताने सुनने नहीं आता, आई डोंट कम हेयर फॉर योर टॉन्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप मुझे ताने क्यों मार रहे हो, वाई आर यू टॉन्टिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरों को ताने मारना आसान होता है, इट इज वेरी इजी टू टॉन्ट अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो इसमें ताने मारने वाली कौन सी बात है, वट इज देयर टू टॉन्ट इन इट। तो यहां तक आपने सीखा कि टॉन्ट को कैसे आप सेंटेंस में यूज करेंगे। चलो, ये तो बात हुई कि आपने टी ए यू एन टी टॉन्ट, इट मीन्स ताने मारना सीख लिया है। इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। माना कि मैंने आपको ये वर्ब सिखा दी, आपने सीख लिया, लेकिन जब तक आप इस वर्ब को या इन सभी सेंटेंसेस को अपनी रियल लाइफ में यूज नहीं करेंगे, जब तक मानो कि आपको इंग्लिश नहीं आई है, क्योंकि आप भूल जाओगे। अक्सर क्या होता है, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं तो हमें याद रहते हैं, जो हम यूज नहीं करते उन्हें हम भूल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप प्लीज, जो भी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखकर सीखते हो या कहीं से भी सीखते हो, आप उन सभी सेंटेंसेस को, उन सभी वर्ड्स को, वर्ब्स को यूज कीजिए। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग में याद रहेगा। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।